हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरी हालत देख सकते हैं कैसा हो रखा है। एक्चुअली आज पूरे दिन बहुत काम किया है मैंने, वीडियो स्टार्ट नहीं किया सुबह से। सोचा था कि आप लोगों को बताऊँगी दिखाऊँगी। कल है शिवरात्रि तो बहुत सारी तैयारियाँ करनी थी। एक्चुअली जो साड़ी मुझे पहननी है ना उसका फॉल भी नहीं लगा हुआ था, तो अभी मैं बैठ के लगा रही थी और हो चुका है अभी रात। मुझे मेहंदी भी आज लगाना था, बहुत ही शौक से मेहंदी मेहंदी लेके आई। सोचा था कि लगाऊंगी अच्छे से, एक हाथ पे तो खुद से लगा लेती हूँ मैं, एक हाथ पे उल्टा पड़ता है ना तो उस पर नहीं लगा पाती हूँ। तो मैंने सोचा कि फटाफट से काम फिनिश करके उसके बाद मेहंदी लगा लूँगी, लेकिन हो ही नहीं पाते। इतने कपड़े धुलने को हो गए, फिर मैंने पूरा कपड़ा धुला, उसके बाद मैंने साड़ी में फॉल लगाया। अभी हो चुका है रात, अब रात का भी खाना बनाना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ मूली का पराठा बना दूँ, थोड़ा आसान हो जाता है, दही वही है, फजसा चटनी बना देंगे। मैं मूली का पराठा बना दूँगी, उसके बाद खाना खुना खाने के बाद मैं मेहंदी लगा लूँगी। तो यही अपडेट देना था। और मैं सोच रही हूँ ना कि शिवरात्रि के लिए जो भी मेकअप करूँगी तो वो सूट करूँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी। बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि दीदी आप मेकअप कैसे करते हो वो दिखाओ। तो मैं सोच रही हूँ कि बिल्कुल कैमरे के सामने कल मेकअप करूँगी, तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में और दिखाती हूँ मैं आगे का। ठीक है, जो भी होगा जैसा भी होगा, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि इसी ब्लॉग में आपको कल शिवरात्रि का भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आज कुछ है नहीं ज़्यादा शूट करने को। तो कल शिवरात्रि का भी दिखाऊंगी मैं, तो ब्लॉग को कंटिन्यू रखिएगा, देखिएगा, फिर आगे जो भी होता है मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है। हे गाइस, तो हो चुका हमारा खाना पीना और अभी मैं लगा रही हूँ मेहंदी। तो एक हाथ पे तो मैं खुद से लगा लेती हूँ, एक हाथ पे नहीं लग पाता है, तो वो फौजी साहब लगा रहे हैं। इतना अच्छा मेहंदी लगा रहे हैं कि आप लोग देखेंगे तो बेहोश हो जाएंगे। गोला बनाने भी एक नहीं आ रहा है। और अभी बच चुका है 12:15 हो गया है, तो पहले मैं इस हाथ पे लगवा लेती हूँ। ये देख सकते हैं यार, अच्छा से ये गोला करके क्या कर रहे हैं आप? इतनी तारीफ कर रही हूँ आपकी, इतनी प्यारी मेहंदी लगा रहे हैं। तो इसके बाद मैं अपना इस हाथ पे लगा लूंगी क्योंकि इनको सोना है। जितना जलेबी बनाना है बना लीजिए, दूध सा बस। ये देख सकते हैं जलेबी, ये क्या है यार, दिल्ली बना दीजिए। ये कहाँ से बजेगा, हिलाएगी तो ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही जाएगा। मेरे हाथ का पोता पोती क्यों कर रहे हैं, कहेंगे आप इतनी सुंदर आपकी राइटिंग है, अच्छे से लिख दीजिए। आपकी राइटिंग तो कितनी अच्छी है यार। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो हो चुकी है सुबह और आज है शिवरात्रि। तो आप सभी को शिवरात्रि की खूब सारी शुभकामनाएं और बाबा भोलेनाथ करे कि जैसे उनकी जोड़ी है शंकर जी और पार्वती जी की, वैसी ही हमारी भी जोड़ी सदैव हमेशा ही बनी रहे और हम सब की बनी रहे जो भी मुझे देख रहे हैं अभी। तो बस मैं तो जब भी पूजा करती हूँ तो यही बोलती हूँ कि जिनसे भी बोलना होता है, माता रानी, हे भगवान जी, हम सब खुश रहें। ऐसा नहीं है कि पर्सनली मैं अपने लिए कुछ मांगती हूँ। तो अभी मेरा पूजा वूजा हो गया, देख सकते हैं। और बहुत लोग बोलते हैं कहाँ पूजा करते हो, तो ये है मेरा मंदिर, ये देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैं हर चीज़ मतलब दिखाऊँ, रोज़ रोज़ दिखाऊँ। और अभी मैंने पूजा किया, वो भी दिखा पाना पॉसिबल नहीं होता है। मतलब अगर कोई रहता मेरा सूट करने वाला तो शायद मैं पूजा कर रही होती तो सूट कर लेता, लेकिन ऐसे अब खुद से कैमरा लेके तो हम पूजा नहीं कर सकते ना। तो अभी सबसे पहले मैंने उठ के नहा वहा के पूजा कर लिया और आज है मेरा फास्ट। मैंने मेहंदी लगा ली है और नहीं कर पाई क्योंकि बहुत लेट हो चुका था। तो इस पे पहले फौजी साहब से पूरा मेहंदी तो पोता पोती करवा लिया था, अब ये करवा लिया तो इस हाथ से अब इस पे भी लगाना मुश्किल हो गया क्योंकि उस पे पूरी मेहंदी लग चुकी थी। तो इस वजह से इस पे भी जैसे तैसे मैंने किया, फिर सो गई। तो अभी मैंने पहले पूजा किया नॉर्मल ही कपड़े में, देख सकते हैं आप। उसके बाद अभी मैं तैयार होंगी, क्योंकि तैयार होने लग जाती तो काफ़ी टाइम लग जाता है मुझे, साड़ी वाड़ी पहनने में मेकअप करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मैंने सोचा कि पहले टाइम से पूजा कर लिया जाए, दिल से पूजा कर लिया जाए, उसके बाद तैयार होके हम मंदिर भी जाएंगे। और मैंने सोचा है कि बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि दीदी मेकअप का लुक कैसे आप मेकअप करते हो वो दिखाओ।
सोच रही हूँ, देख रही हूँ अगर पॉसिबल हो पाया तो आज के ही ब्लॉग में मैं आप लोगों को अपना मेकअप दिखाऊंगी, शिवरात्रि में मैं कैसे तैयार हो रही हूँ, और जो भी मैं साड़ी पहनने वाली हूँ वो तो अभी इसी ब्लॉग में मैं दिखाने वाली हूँ आप लोगों को, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। और साड़ी रियली इतनी ज़्यादा सुंदर है, उसका बैंगल्स बिल्कुल मैचिंग है, सिंदूरदानी मैंने मंगवाया है वो भी बिल्कुल मैचिंग है, मतलब वो सिंदूरदानी काफ़ी दिन से मेरे पास पड़ा हुआ है लेकिन अभी साड़ी का बिल्कुल मैच हो गया है, तो बिल्कुल मैं एक्साइटेड हूँ पहनने के लिए भी और आप लोगों को दिखाने के लिए भी। तो आप लोग भी बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, ठीक है। तो चलिए अभी मेरा बाल गीला है, मैं बाल सुखा लूँ, तैयार हो जाऊँ, उसके बाद मिलते हैं, ठीक है। हे गाइस, तो तैयार होने से पहले सबसे पहले मैंने सोचा कि पैर कलर कर लेती हूँ, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही होता है आलता, और बोलते हैं कि कोई भी पूजा पाठ करने से पहले सबसे पहले आलता जरूर लगाना चाहिए, तो शुरू से ही हम लगाते आए हैं, आप लोग देखते भी होंगे मेरे पैरों में, और मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब सब लोग तो बोलते हैं कि इसको लगाने से पैर फट जाता है, एड़ियाँ फट जाती हैं, बट आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, फटे तो फटे, बट ये रेड कलर का आलता ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो मैंने सोचा कि पहले तैयार होने से पहले ही पैरों में लगा ले, पैर तो बिल्कुल आप लोगों को दिखाया था मैंने, ठंडी की वजह से बहुत पक गया था तो वो बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सा हो गया है, लेकिन कोई ना, लगाना तो है, तो अभी पहले से तो बिल्कुल ठीक हो गया है लेकिन ना वो अजीब सा काला काला सा हो गया है, सब निशान रह गया जो पका हुआ था, तो थोड़ा बहुत है, तो पहले मैं ये कलर कर लूँ और आप लोग बताना किस किस को ये कलर करना पसंद है। ये देख सकते हैं ये मम्मी ने मेरे को बना के दिया है, ये लकड़ी में लपेट के कॉटन, हम लोग इतना भी करते हैं ना तो मेरे से अच्छे से नहीं हो पाता है, और मम्मा ने इतने अच्छे से किया है कि हमेशा के लिए इसमें एडजस्ट हो गया है और बहुत आसानी से इससे मैं कलर लगा पाती हूँ, तो मैं लगा लेती हूँ। और ये जो रेड कलर का आलता है ना, ये भी मतलब बहुत अच्छा लगता है पैरों में, बहुत सारे कलर जो मतलब आजकल जैसे शहर वहर में लेना हो तो नहीं मिल पाता है इतना अच्छा कलर, तो ये कलर भी मेरे को मम्मी ने ही दिया है, गाँव से ही दिया है, तो उसको मैंने संभाल के रखा है जब भी कुछ इम्पॉर्टेंट होता है, या फिर मैं ऐसे भी ना, मुझे जब वीडियो वीडियो शूट करना रहता है तो मैं ये आलता लगा लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद आता है क्योंकि ना मेरे पैर बहुत ज़्यादा बड़े हैं, आप लोग देखते होंगे मेरे पैर की तो मतलब स्लीपर भी नहीं मिलती है, चप्पल नॉर्मल चप्पल भी नहीं मिलता मेरे पैर का, तो वो ना थोड़ा अजीब सा दिखता है, और पैर वैर कलर कर लो अच्छे से तो वो बहुत सुंदर सा दिखने लगता है, तो लगता है कि चलो यार थोड़ा सा मेहनत ही कर लेती हूँ, एड़ियाँ फटेंगी तो फटेंगी, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन थोड़ा पैर सुंदर सा दिखने लगेगा, तो मैं कर लेती हूँ कलर। और आप लोगों का कैसा जा रहा है शिवरात्रि, आप लोग ये भी बताना, मैं तो काफ़ी दिन से बहुत एक्साइटेड थी कि कब आएगा शिवरात्रि, कब व्रत कब आएगा, मैं ज़्यादा दिन से तो नहीं कर रही हूँ, मैं जब महाराष्ट्र गई तब से ही कर रही हूँ, पहले नहीं करती थी, लेकिन अभी जब से करने लगी तो मतलब जब से मुझे पता चला कि ये व्रत हस्बैंड लोगों के लिए होता है, मुझे ना वो सारे ही व्रत करने अच्छे लगते हैं जो स्पेशली फौजी साहब के लिए हों, तो ये शिवरात्रि का व्रत मैंने जब सुना कि हस्बैंड लोगों के लिए होता है तो फिर मैं क्यों पीछे रहूँ भाई, मैं भी करने लग गई, तो करने लग गई तो अच्छा लगता है। और ऐसे तो आप लोगों को पता है कि मैं बिना खाए उठते ही मुझे भूख लगती है, लेकिन पता ना क्या ऐसा शक्ति होता है कि बिना पानी पिए भी हम रह जाते हैं, कितनी बड़ी बात है ना, और सच में आज मतलब थोड़ा सा भी फील नहीं हो रहा, ऐसे तो मुंह सूखा सूखा सा तो लग रहा है पानी के बिना, बट जैसे ये मन नहीं कर रहा है कि नहीं यार मैं कुछ खा लूँ मैं कुछ खा लूँ, तो वो चीज़ ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि जो भी व्रत होते हैं फौजी साहब के लिए मैं पूरी श्रद्धा से करती हूँ, दिल से करती हूँ, तो चलिए दिखाती हूँ मैं कैसे कलर कर रही हूँ, मैं मुझे ना पूरा पैर भर के अच्छा लगता है, बहुत लोगों का देखती हूँ सिंपल सा कर लेते हैं बट मैं पूरा पैर भर के करती हूँ, मुझे तो बहुत पसंद आता है, आप लोगों को कैसा अच्छा लगता है आप लोग ये बताना, आपको मैं दिखाती हूँ। Oh,
गाइस, तो आया था फौजी साहब का कॉल और हम जाएंगे मंदिर, और उन्होंने बोला कि तैयार है ना, मैं लेके जाऊंगा। तो पहले तो सोचा था कि घर पे तैयार वार होके वीडियो शूट करूंगी, तब तक इनका कॉल आया और जो मैंने टेस्ट करवाया था उसकी पर्ची का नंबर पूछ रहे हैं, और वो पर्ची मुझे याद नहीं कि मैंने कहाँ रखा है, शायद कचड़े में भी ना चला गया हो। तो चलिए मैं उसको खोज लूँ, और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि उन्होंने बोला है कि मंदिर लेके जाऊंगा, नहीं तो यहाँ तो आज तक कभी गए नहीं। लेकिन मैं काफ़ी दिनों से उनसे बोल रही थी कि यार आज के दिन तो कम से कम लेके चलिएगा बाहर, आज के दिन तो लेके चलिएगा। तो देखते हैं क्या होता है आगे, आपको भी दिखाएंगे। और मुझे लग रहा है कि ये ब्लॉग ना बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं मेकअप से स्टार्ट करूँगी और क्या साड़ी पहनने वाली हूँ, मतलब बहुत ही अच्छे से दिखाऊंगी आप लोगों की उसकी डिटेलिंग। तो और मेकअप का भी कि कैसे मैं मेकअप कर रही हूँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप वो दिखाऊंगी, मतलब मेकअप से ही स्टार्ट करूंगी। और इसमें करूंगी ना तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो फिर वो बोरिंग हो जाता है। तो चलिए मैं खोज लूँ वो पर्ची। इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और नेक्स्ट वाले ब्लॉग तो बिल्कुल आपके लिए ही है, क्योंकि मेकअप करते हुए ब्लॉग बनाना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन आप लोग बहुत सारा प्यार दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए मैं खोज लूँ, और बाय।